एक बार की बात है, शहर से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। वहां ना तो कोई नदी थी और न ही आसपास में कोई कुआं था, जिस वजह से उस गांव के किसानों को बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तब किसानों के खेतों की सिंचाई होती थी। उस गांव में विनय नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। विनय बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह होते ही अपने खेतों में चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटा कर शाम को घर आया था। विनय की मेहनत की वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छे लागत पर बिकती थी। मालती, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहाँ पर खा लूंगा, तुम मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए आपका खाना, और शाम को आते वक्त जरा बनिए की दुकान से राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। विनय अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। फिर थोड़ा थक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर आराम करता है। तभी विनय की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने के कारण उपज नहीं पाई। उस सपने से विनय की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं यह सपना देख रहा था। यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती ही है, इस साल भी जरूर वर्षा होगी। यह मेरा बस सपना ही है। ऐसा सोचकर विनय अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव मधुपुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी। यह तुम क्या बात कह रहे हो रघु भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी, और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कहें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है। अब तो वही सहारा है, वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे गांव के आसपास तो कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिसे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। वर्षा होती है तभी तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों में अच्छी फसल आती है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी और फसल कहां से आएगी? हे भगवान, इसका मतलब मेरा सपना सच था। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहां से आएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर फसल ही नहीं आएगी तो हम खाएंगे क्या? बस एक फसल ही तो हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन व्यापन होता है। पर अगर वही नहीं उपजी तो उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, खेती के अलावा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए विनय घर को चला जाता है। मालती, गांव के लोगों का कहना है इस बार बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं उपजेगी तो हम खाएंगे क्या? अजी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है।
अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले आप खाना खा लीजिए, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। फिर सभी सो जाते हैं, लेकिन विनय की मानो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहता है, अगर वर्षा नहीं हुई तो इस बार की फसल कैसी होगी और वह खाएंगे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी, मैं जरूर फसल लगाऊंगा। और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही लूंगा। विनय ऐसा सोच ही रहा था, तभी विनय का ध्यान रघु की बातों पर जाता है। हमारे गांव के आसपास तो कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिसे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। वर्षा होती है तभी तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है। हाँ यही सही रहेगा, मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वो लोग मेरी मदद करेंगे तो ये काम जरूर सफल रहेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ तो तय रहा, सुबह होते ही सबसे पहले मैं सरपंच जी के घर जाऊंगा और वहां उनसे बात करूंगा। सुबह होते ही विनय सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान मित्रों, जैसा कि इस बार सुनाने में आया है, किस बार हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, ऐसे में तो हमारी फसल नहीं उपज पाएगी और हमारा परिवार भूख से तड़पता रहेगा, इसलिए हमने इसका कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही होगा। बात तो तुम्हारी सही है विनय भाई, पर हम क्या कह सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है रघु भाई, हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है, लेकिन अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो हम वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब तो है ही नहीं, हमें ही मिलकर कुएं या तालाब की रचना करनी होगी। इसके लिए हमने गांव के सरपंच जी से मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी ताकि कुछ समाधान निकल सके। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पानी की तो हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसे मिलकर दूर करना होगा, जिसके लिए हमें सरपंच जी से मिलना होगा। अब सरपंच जी ही हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। इस तरह गांव के सारे किसान आपस में बात कर मिलकर सरपंच जी के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं और अपना विचार सरपंच जी के सामने रखते हैं। हाँ, हमारे किसान भाइयों, हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब न होने के कारण आपको पानी के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में कुआं या तालाब न होने के कारण हमारे गांव के सारे किसान भाई वर्षा पर ही निर्भर है। अगर हमारे गांव में भी कुआं या तालाब हो तो किसान भाई कभी भी अपने खेतों सिंचाई की कभी भी कर पाएंगे और हमारे गांव में कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो विनय, तुम लोगों ने अच्छी तरकीब निकाली है। हम कल से ही गांव में तालाब खोदने की तैयारी शुरू कर देते हैं और तुम सारे गांव वालों को एक साथ मिलकर गांव में कुआं और तालाब खोदने की तैयारी शुरू करनी होगी। और आप सब गांव वाले जमीन की चिंता मत करो, गांव में जो मेरी जमीन है उसी में तुम लोग मिलकर कुआं और तालाब खोद लेना। गांव के सारे किसान इस बात पर कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। गांव वालों की लगातार मेहनत के बाद कुछ ही दिनों में कुआं खुद के तैयार हो जाता है। बहुत गहराई तक कुआं खोदने के कारण उसमें पानी नजर आता है। पानी को देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा और उनकी जान में जान आ गई। सभी किसान गांव के सरपंच जी को इस बात की जानकारी देते हैं कि कुएं में पानी दिखाई देने लगा है। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल ही कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।
मुझे तुम पर गर्व है। अगर हम एकजुट होकर हर काम निकालेंगे तो हर मुश्किल का समाधान निकल जाएगा। आखिर तुम किसान भाइयों ने मिलकर हमारे गांव में कुआं खोद ही लिया और पानी की समस्या को दूर कर दिया। अब तुम सारे किसान भाई मिलकर बारी बारी अपने खेतों की सिंचाई करना। इससे तुम्हारे खेतों की फसल की अच्छी से सिंचाई हो जाया करेगी और कभी भी हमारे गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। और कुआं पास में होने के कारण लोग इसी में से पीने का पानी भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार मधुपुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन वर्षा न होने के कारण गांव के किसानों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव के किसान बारी बारी से कुएं से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। गांव में कुआं होने के कारण उनकी फसल कभी नहीं सूखी और उनकी पैदावार हमेशा अच्छी होने लगी। कुआं पास में होने की वजह से अब गांव की सारी महिलाएं गांव के कुएं से ही पानी भरकर ले जाया करती थीं। इस तरह मधुपुर गांव में खुशियां फिर से लौट आईं और गांव के लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। एक बार की बात है, एक गांव में सुखीराम नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। सुखीराम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। सुखीराम हमेशा दूसरों की मदद करता था। सुखीराम के घर में पैसे की बहुत कमी रहती थी, पर फिर भी सुखीराम हर समय प्रसन्न रहता था। वही उसका बड़ा भाई दुखीराम हमेशा अपने भाई सुखीराम से जलता था। दुखीराम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी दुखीराम कभी प्रसन्न नहीं रहता था। अरे सुखीराम, कहाँ जा रहा है? कहीं तुझे कोई दूसरा काम मिल गया क्या? अरे इतना ईमानदार होना भी अच्छी बात नहीं। मुझे देख, मेरे पास कितना पैसा है और तू हमेशा पैसे के लिए दूसरे काम खोजता रहता है। हाँ भैया, मुझे एक बड़ी कपड़ों की दुकान में काम मिला है, मैं वही जा रहा हूँ। और हाँ, मैं कोई भी काम पूरी ईमानदारी से ही करूँगा, चाहे कोई मुझे काम पर रखे या ना रखे। और हाँ भैया, आपने अभी खेती का काम शुरू किया है ना, उस काम को ईमानदारी से ही करना, वरना कहीं सारी फसल खराब ना हो जाए। तू मुझे मत सिखा, मैं काम अपनी मर्जी से ही करूँगा और तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ये बोलकर दुखीराम वहाँ से चला जाता है और सुखीराम भी अपने काम के लिए कपड़े की दुकान में चला जाता है। अरे सुखीराम, तुम आ गए। अब अगर कोई भी ग्राहक आए तो उससे अच्छे से बात करना। जी, मैं आपकी दुकान में अच्छे से काम करूंगा। कुछ देर बाद उस दुकान में कुछ लोग खरीदी करने आते हैं। वो लोग दुकान से बहुत अच्छी खरीदी करते हैं और जब सुखीराम से पैसे के बारे में पूछते हैं तो सुखीराम उन्हें 400 रुपए बताता है। ग्राहक उन सामान को खरीद लेते हैं और सेठ जी को पैसे दे देते हैं। अरे भाई साहब, इस सामान के तो 700 रुपए हुए हैं, आप 400 क्यों दे रहे हो? लेकिन उन्होंने तो मुझे 400 रुपए कहा है, इसलिए तो हमने ये सामान खरीदा। हमें ये सामान 700 में नहीं चाहिए। फिर वो लोग उस सामान को वहीं पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। दुकान का सेठ सुखीराम पर बहुत क्रोधित हो जाता है और सुखीराम को दुकान से निकाल देता है। अरे भाई, तुम रहने दो, तुम तो कहीं किसी दिन मेरा बड़ा नुकसान करवाओगे, मुझे तुम्हें काम पर नहीं रखना। सुखीराम भी सेठ की ये बात सुनकर दुकान से बाहर निकल जाता है और गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? उस दुकान वाले ने मुझे काम से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ एक ग्राहक आए कपड़े लेने, उनके 400 रुपए हो रहे थे,
मैंने 400 कहा तो उन्होंने सामान खरीदा। फिर जब सेठ के पास गए तो सेठ जी उन्हें 700 रुपए बताए, इसलिए ग्राहकों ने वहाँ से सामान नहीं खरीदा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी बात तो सही है, पर अब हम लोग क्या करेंगे? घर में एक रुपया भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल से मैं हमारे गांव में सब्जी की दुकान लगाऊंगा। वैसे भी गांव में सब्जी बहुत कम है। अगले दिन सुखीराम अपने खेत में सब्जियां तोड़ने जाता है। अरे ये सब्जियां इतनी कम क्यों लग रही है? कहीं कोई जानवर रात को सब्जियां तो नहीं खाता? पर यहाँ तो जानवर भी नहीं आएगा। चलो अब तो मैं सब्जियां तोड़कर दुकान चालू कर देता हूँ। अरे भाई ये क्या नया काम शुरू कर दिया, अब क्या सब्जियां बेचेगा? ये बोलकर दुखी राम वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सुखीराम की दुकान पर बहुत लोग सब्जी लेने आते हैं। आज तो सारी सब्जियां बिक गई, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लानी होगी। कुछ देर बाद सुखीराम अपने घर चला जाता है। क्या हुआ, आज सब्जियां बिक गई? हाँ आज सारी सब्जियां बिक गई, आज काम अच्छा चला, कल थोड़ी ज्यादा सब्जियां लेकर जाना होगा। फिर दूसरे दिन सुबह सुखीराम फिर दुकान पर जाता है और दूसरे दिन भी उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है। ये सब दुखीराम दूर खड़ा देख रहा था। इस सुखीराम का नया काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, अगर इसका काम ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। दुखीराम सुखीराम के पास जाकर बोलता है, अरे सुखीराम सुनो, तुम्हारी ये दुकान मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। नहीं मैंने ये काम बड़ी मेहनत से शुरू किया है, मैं तुम्हें ये दुकान नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो। दुखीराम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये मुझे अपनी दुकान कभी नहीं देगा। ऐसा करता हूँ, इसके खेत की सारी सब्जी जानवरों को खिला देता हूँ, फिर ना तो इसके पास सब्जी रहेगी और ना ये ज्यादा पैसे कमाएगा। फिर जब दुखीराम सुबह खेत की ओर जाता है तो देखता है कि सुखीराम का खेत तो बिल्कुल सही है, पर उसके खेत की सारी फसल जानवर खा गए। और सुखीराम अपनी मेहनत से सब्जियों की दो और दुकान खोल देता है और कुछ सालों बाद सुखीराम दुखीराम से भी धनी व्यक्ति बन जाता है।